तो अभी हम देखने वाले हैं सेमी फर्निश्ड फ्लैट और शो फ्लैट। तो जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो फर्स्ट फ्लोर पे जो है आपको टोटल 8 फ्लैट्स अवेलेबल होंगे और 5 लिफ्ट्स अवेलेबल होंगे। तो अभी हम हमारे सेमी फर्निश्ड फ्लैट की तरफ बढ़ने वाले हैं। जो फ्लैट आप जब भी अपना घर खरीदने आओगे ऐसे के ऐसे ही आपको मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेमी फर्निश्ड फ्लैट की तरफ। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि हमें एंट्रेंस में ही VDP कैमरा मिल जाता है जो अंदर आपका इंटरकॉम है उससे कनेक्टेड है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फ्लैट की तरफ। हमारा जो लिविंग प्लस डाइनिंग हम देख पा रहे हैं तो इसके जो डायमेंशंस है वो 10x6 का जो है आपको लिविंग मिल जाता है और 4x7 का जो है आपका डाइनिंग है। अगर हम फ्लैट के हाइट की बात करें तो 10 फीट से ज़्यादा की आपको यहाँ पे हाइट मिल जाती है जो आप झूमर के लिए भी यूज़ कर सकते हो अगर आप लगाना चाहते हो। अगर हम हमारे बालकनी की बात करें तो यहाँ पे जो है आपको वेंटिलेशन फैसिलिटी बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है। अगर हम यहाँ पे वेंटिलेशन की बात करें तो आप देख सकते हो कि लाइट और एयर बहुत अच्छे तरीके से आ रहा है। तो हम हमारी बालकनी भी अभी देखेंगे। यहाँ पे जो है आपको ये टेरेस बालकनी मिल जाती है, बहुत अच्छा स्पेस अवेलेबल है आपको। अगर आप आपका छोटा सा डाइनिंग या आपका छोटा सा कॉफ़ी टेबल यहाँ पे सेट करना चाहते हो, आपका सनसेट सनरेज का मज़ा लेना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे बहुत आराम से कर सकते हो। तो हम हमारे किचन की बात करें तो किचन जो है 7x4 के डायमेंशंस में बना हुआ है। और अगर हम यहाँ के फर्निश की बात करें, जो कबर्ड है, जो ड्रॉर्स यूज़ किए गए वो स्लिक कंपनी के यूज़ किए गए, तो आप देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा ब्रांडेड और लग्जेरियस तरह से आपका किचन डिज़ाइन किया गया है। जो स्टोव है वो फेबर कंपनी का यूज़ हुआ है, यहाँ पर चिमनी भी सेम कंपनी की यूज़ हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो स्पेस है आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक्वागार्ड आने वाला है। तो जो नल्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं वो भी जैगवार कंपनी के होंगे। तो आप देख सकते हो कि आपके किचन में पूरी तरह से आपको लग्जरी की फैसिलिटी मिलती है और यहाँ पे जो स्पेस है वो आपको जो है आगे आपके जो रेफ्रिजरेटर है उसके लिए अवेलेबल हो जाता है। अगर हम हमारे किचन से सामने ही निकले कॉमन वॉशरूम मिल जाता है। अगर हम वॉशरूम की भी बात करें तो यहाँ पे जो है आपको ब्रांडेड चीज़ों का यूज़ किया गया है, जैगवार कंपनी के यहाँ पे नल और बेसिन अवेलेबल है। आपका जो वॉशरूम है वो भी काफ़ी फर्निश और काफ़ी अच्छा। अगर हम हमारे वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकले तो हम हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट बेडरूम की अगर बात करें तो फर्स्ट बेडरूम जो है 10x12 के डायमेंशंस पे बना हुआ है और आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ओपन स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। आप आपकी तरफ से डिज़ाइन कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाइट भी बहुत ज़्यादा है तो आप झूमर लगा सकते हो। आप आपकी तरह से आपका जो फ्लोर है वो पूरी तरह से डेकोर कर सकते हो। देख सकते हो आपको बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस है, आपके बेड के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा मूविंग स्पेस अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पर जो है आपको फ्लोर बेड का आपको जो है यहाँ पर अवेलेबल किया गया है, जिसे आप जो है छज्जा भी कह सकते हो अगर हम हिंदी में बात करें तो। यहाँ पे आप आपका छोटा सा गार्डनिंग वगैरह भी कर सकते हो। तो ये था आपका फर्स्ट बेडरूम। फर्स्ट बेडरूम के एग्जैक्ट सामने ही आपको कॉमन एक ड्राई एरिया मिल जाता है या वॉशिंग मशीन के लिए आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाता है और आपका यहाँ पे एक वॉश बेसिन जो है आपको दिया गया है। अगर हम हमारे फर्स्ट बेडरूम से बाहर निकलते हैं तो हम हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें जो है आपको कॉमन अटैच वॉशरूम भी दिया गया है। अगर हम वॉशरूम की भी बात करें तो वॉशरूम भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा और अच्छा है और बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे स्पेस अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे भी पूरे ब्रांड्स का यूज़ किया गया है, नल्स लेके वॉशिंग बेसिन तक आपको सब ब्रांडेड है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा बोल सकते हो आप जो है एक स्पेस दिया गया है, डेक दिया गया है जो आपका जो AC होगा ये आपको यूज़ होगा। तो ये था आपका वॉशरूम, मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। मैं बताना चाहूँगी मास्टर बेडरूम के वॉशरूम के साथ आपको मास्टर बेडरूम में आपको AC भी अवेलेबल दिया गया है। तो आपको बेडरूम के साथ सिर्फ अगर हम कर्टन्स और लाइट छोड़ दें तो आपको AC भी बेडरूम के साथ मिलने वाला है। और इसके डायमेंशन जो है 10x12 के इसमें बने हुए हैं और इसमें भी आपको आप छज्जा बोल सकते हो या फ्लावर बेड बोल सकते हो अवेलेबल है। अगर आप आपके बेडरूम में भी एक छोटा सा गार्डन बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। तो ये था हमारा पूरा सेमी फर्निश्ड फ्लैट। आप जब भी घर खरीदने आओगे एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको जो है आपका फ्लैट डिलीवर कर दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे शो फ्लैट की तरफ। We'll be right back.
तो हमने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी ले ली है और प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर भी कर लिया है और समझ भी लिया है। तो अभी आज इस वीडियो में हमने दो फ्लैट दिखे हैं, सैम्पल फ्लैट और शो फ्लैट। सैम्पल फ्लैट में दिखाई गई चीज़ें आपको मिलने वाली है जिसमें कर्टन्स और लाइट अवेलेबल नहीं होंगी। शो फ्लैट में जो हमने देखा वो आपको एक जस्ट आइडिया है कि आप इन फ्यूचर आप आपका घर कैसे डेकोर कर सकते हो। तो अगर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग आपको और कोई जानकारी चाहिए या आपको कोई डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हो, आपको इमीडिएट रिप्लाई मिल जाएगा हमारी तरफ से। आप नीचे गए डिस्क्रिप्शन पे कॉल भी कर सकते हो। अगर आपको सैम्पल फ्लैट शो फ्लैट देखना है तो आप प्रोजेक्ट को विजिट करिए, आपको फ्लैट्स की रिगार्डिंग आपको प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग और जानकारी मिलेगी। अगर आप और अच्छी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हो, तो आप हमें सजेशंस भी दे सकते हो कि आप आगे आने वाली वीडियोस में आप क्या क्या देखना चाहते हो। तो हमारे साथ बने रहिएगा, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।